नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रोजाना खाना में। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया कोफ्ता, और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारे बहुत से प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने कमेंट में बोले थे कि ये घिया कोफ्ता बनाइए, तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ। और ये जो घिया कोफ्ता है बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो कैसे बनेगा घिया कोफ्ता आज मैं आप सभी को बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल रोजाना खाना हिंदी और भोजपुरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। देखिए 500 ग्राम घिया को हम कद्दूकस कर लिए। घिया यानी कि लौकी, और इसका हम बीच वाला जो बीज का पार्ट होता है उसे हटा दिए हैं, और पानी को अच्छा से दबा दबा के निकाल लिए हैं। प्याज डाल लेंगे और एक बड़ा चम्मच सूजी डाल रहे हैं। सूजी डालने से बहुत ही बढ़िया घिया का जो पानी होता है सोख लेता है सूजी। और देखिए हम डाले हैं धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे हम थोड़ा सा कद्दूकस कर लें, अदरक है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कोफ्ता में। और आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो हरा मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। और यहीं पे हम बेसन डाल लेंगे, तो हम बेसन इसमें डाल रहे हैं 100 ग्राम से, थोड़ा ज़्यादा ही है बेसन। हम देख लेंगे कि हमारा जो घिया है उसमें बढ़िया से पकड़ बन रहा है कि नहीं, अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा सा हम और डाल सकते हैं बेसन को। तो देखिए हाथों से अच्छा से मिक्स कर लें इस तरह से। अब बढ़िया से मिलाते हुए आपका जो मिश्रण है इस तरह से हो जाएगा। सूजी डालने की वजह से ये कुछ ही मिनटों में देखिएगा तो पानी सूख जाएगा। तेल हम चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए, तेल अच्छा गरम होना चाहिए कोफ्ते को तलने के लिए। तो कोफ्ते आप गोल गोल भी हाथ से बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से भी बहुत ही आसानी से कोफ्ते बन जाता है। कोफ्ता का साइज आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। इस तरह से कोफ्ता बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ता बनता है। तो देखिए हम सारा कढ़ाई में जितना आएगा उतना अरेंज कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसे बढ़िया से पका लेंगे, दोनों साइड सुनहरा होने तक अच्छा से पकाएंगे। तो अच्छा से अरेंज करने के बाद में इसे पकने दें 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से, और उसके बाद आप टर्न करें। तुरंत डालने के बाद आप टर्न ना करें, नहीं तो जो आपका कोफ्ता है वो चिपक जाएगा करछी में। तो देखिए इस तरह से अभी पका नहीं है ये, तो टर्न ना करें इसे। और जो पक जाए तो अच्छे से इसे चलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। और आप देख सकते हैं ये जो कोफ्ता है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा करी में जाने के बाद। अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने के बाद में इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और देख सकते हैं कोफ्ता का कलर कितना बढ़िया आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया पका है। इसी तरह से हम दोबारा भी डाल के और पका लेंगे बढ़िया से कोफ्ते को। जितना भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 ग्राम घिया का कोफ्ता बना रही हूँ। अच्छा से अलट पलट के क्रिस्पी होने जाने दें। होने के बाद में आप इसे भी निकाल लें। 2 तेज पत्ता छोटा साइज के डाले हम, तेल कम कर लिए हैं, और जीरा डाल रहे हैं तड़के के लिए। जैसे ही तड़का भून जाए उसमें प्याज डाल दें, एक प्याज, बड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, और अच्छा से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूने। एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम, और इसे भी भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक भून चुका है, तो हम 2 टमाटर को कद्दूकस कर लिए हैं। आप चाहें तो मिक्सर जार में भी इसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं। टमाटर को ग्रेवी बनाने में हेल्प मिलता है, तो आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में पीसे या कद्दूकस कर लें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच ये धनिया पाउडर है, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला,
और एक चम्मच जितना आप तीखा पसंद करते हैं उतना लाल मिर्च पाउडर डाल लें। अच्छे से मसालों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद ढक्कन से ढक के इसे 5 मिनट के लिए पकने दें। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो जो आपका मसाला है इस तरह से तेल छोड़ाएगा और बहुत ही अच्छा भुन जाएगा। फ्लेम को आप हाई रखें और चेक करते रहें बीच बीच में कि मसाले कहीं जल तो नहीं रहे। अब आप इसमें पानी डालिए जितना आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं। यहीं पे हम हाफ लेमन का यूज करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया कोफ्ता करी में टेस्ट आता है दोस्तों। तो हम डाल लेते हैं हाफ लेमन का जूस। अच्छे से मिक्स कर लें। और यहीं पे आप स्वाद अनुसार नमक डालें, ध्यान में रखते हुए कि आप कोफ्ता में भी नमक डाले हैं। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लें एक बार फिर से और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने दें। ग्रेवी में से जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होगा हम इसमें कोफ्ते को ऐड कर देंगे। ये देखिए कोफ्ता मैं ऐड कर रही हूं और अच्छे से कोफ्ते को हम चलाते हुए ग्रेवी के अंदर लपेट लेंगे। एक उबाल आ जाए और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ढक्कन से ढक दिए हम और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म कोफ्ता करी बन के रेडी है। तो ये घी एक कोफ्ता करी आप जरूर बनाएं एक बार और आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसका जो कोफ्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं। तो इसे आप जरूर बनाएं एक बार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर में जिन्हें खाना बनाना पसंद हो उनके साथ शेयर करें। तो आइए हम मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए स्क्रीन पे आ रही है 4 वीडियो, उन्हें भी देखें और अपना प्यार सपोर्ट दें। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।